नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर। आप देख रहे हैं ग्रेड आई फायर और आज हम स्टडी करेंगे फायर इंजीनियरिंग साइंस की फिफ्थ यूनिट को, जिसका नाम है हीट एंड एनर्जी। हीट एंड एनर्जी के सिलेबस में मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में पूछा जाता है। ये बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो उसके क्या मेथड हैं, चलिए उनको स्टडी करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जितने भी आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं उसमें मैं आपसे काफ़ी डेफिनेशंस को शेयर करता हूँ। अगर आपको वो डेफिनेशंस सिंपल लगती हैं, इजी लगती हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके वहीं पे रोक के आप उन डेफिनेशंस को नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये थोड़ी सी आपको मुश्किल लग रही है, तो आप ऑनलाइन जाके बहुत इजी लैंग्वेजेस में बहुत सी डेफिनेशंस हैं, तो आप अपने नोट्स जरूर बनाइए। डेफिनेशंस को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप डेफिनेशंस को देंगे, आपके एग्जाम में हर क्वेश्चन में मार्क्स आने उतने ही ईजी होंगे और उतने ही ज़्यादा मार्क्स आएंगे। तो अब देखते हैं कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है। ये तीन तरीके से होती है, जिनके नाम है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब देखते हैं कि कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है। बेसिकली ये सॉलिड्स में होती है। हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि एक कैंडल यहाँ पर आपकी है, वो जल रही है, और यहाँ पे ये रखी है आपकी एक लोहे की रॉड। ये लोहे की रॉड का एक हिस्सा, बिल्कुल किनारे वाला हिस्सा आपने इस कैंडल के ऊपर रखा है और यहाँ पर इसको हीट मिल रही है। होगा क्या, 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर अंदर आप यहां से, जैसे आपने उसको पकड़ा हुआ है, आपके हाथ में जलन आपको महसूस होगी। हो सकता है इतनी भी हो कि आप उसको छोड़ दो। ऐसा क्यों हो रहा है कि हीट तो यहां मिल रही है लेकिन जलन आपको यहां महसूस हो रही है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पूरी जो लोहे की रॉड है, ये लोहे के एटम्स से मिलकर बनी है, और जिन एटम्स को यहां गर्मी मिली, जो इस कैंडल की वजह से गर्म हुए, उन्होंने अपनी हीट को हर एटम्स पे धीरे 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 ट्रांसफर करना शुरू किया। एटम्स टू एटम ये हीट ट्रांसफर हो रही है। जैसे जैसे एटम्स इसको दिख रहे हैं, क्योंकि होता क्या है हीट के साथ, हीट हमेशा ट्रांसफर होती है हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन की तरफ। तो यहां पे हाई टेम्परेचर है क्योंकि यहां डायरेक्ट इसको हीट मिल रही है, इधर टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर रीजन। तो यहां से हीट धीरे धीरे एटम्स टू एटम, एटम्स टू एटम, एटम्स टू एटम हीट ट्रांसफर हो रही है, और यहां तक पहुंच गई कि जहां आपने इसको पकड़ा था वहां इतनी गर्मी आपको लगी कि आपने उसे छोड़ दिया। तो इस तरीके से जब एटम्स टू एटम आपकी हीट ट्रांसफर होती है, इस मेथड को बोला जाता है कंडक्शन। चलिए अब चलते हैं कन्वेक्शन के ऊपर। एक एग्जांपल से समझते हैं कि कन्वेक्शन होता क्या है। इसमें क्या होता है, लिक्विड या गैसेस जब भी गर्म करते हैं तो वो अपनी जगह से मूव कर जाते हैं गर्म होने के बाद, तो वो मूव होने के कारण हीट को भी मूव करते हैं अपने साथ साथ। इसी तरीके से हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए सर्दियों में आपको नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए। आपने बकेट ली, उसमें पानी डाला, रॉड लगा दी। अब आप उसको ध्यान से देखते रहिए, रॉड जैसे ही ऑन होगी 10-15 सेकंड के बाद रॉड के आसपास जो है वेव्स बननी शुरू हो जाएंगी पानी की। वहाँ कन्वेक्शन के माध्यम से हीट ट्रांसफ़र हो रही है। कैसे, कि जिस एरिया को रॉड ने गर्म किया है, पानी को जिसको गर्म किया है, वो पानी गर्म होने के बाद अपनी जगह छोड़ देता है और हीट के साथ साथ मूव कर जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है जब तक आपकी रॉड काम कर रही है और कंप्लीट पानी जो है वो गर्म होता है। ये हुआ कन्वेक्शन, कि जैसे ही सब्सटेंस गर्म हुआ उसने अपनी जगह छोड़ दी और अपने साथ साथ हीट को भी ट्रांसफ़र कर दिया, अपने साथ साथ हीट को भी मूव कर दिया। इसी कारण से हीट एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर गई। कन्वेक्शन मोस्टली लिक्विड और गैसेज में होता है, जबकि कंडक्शन मोस्टली सॉलिड्स में होता है। अब बात करते हैं तीसरे मेथड की, जिसको बोला जाता है रेडिएशन। रेडिएशन को समझने से पहले कंडक्शन और कन्वेक्शन को थोड़ा सा दोबारा देखते हैं। कंडक्शन में क्या हो रहा था, हीट ट्रांसफ़र हो रही थी किसी सॉलिड सब्सटेंस के माध्यम से। कन्वेक्शन में क्या हो रहा था, हीट ट्रांसफ़र हो रही थी किसी लिक्विड या गैस के माध्यम से। रेडिएशन में क्या होता है, हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र होती है वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलिए बात करते हैं रेडिएशन की। रेडिएशन में हीट को ट्रांसफ़र होने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कंडक्शन में क्या था, कि सॉलिड के माध्यम से हीट ट्रांसफ़र हो रही थी। यहाँ पर अगर हीट है तो वो इस सॉलिड के माध्यम से यहाँ तक पहुँचती थी।
कन्वेक्शन में क्या हो रहा था कि लिक्विड और गैसेस की वजह से हीट ट्रांसफर हो रही थी, लेकिन रेडिएशन में आपको सॉलिड लिक्विड गैस किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलेंगी अपने सोर्स से तो ये तब तक चलती चली जाएंगी जब तक ये किसी चीज़ को टच करके अपने हीट को उसमें ट्रांसफ़र ना कर दें। जैसे कि सूर्य से मिलने वाली जो गर्मी हमको मिलती है वो हमें रेडिएशन की वजह से ही मिलती है, ये रेडिएशंस ही हैं जो हीट को वहाँ से लेके यहाँ तक धरती तक लेकर आ रही हैं। इसके अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें तो सर्दियों में कमरे को गर्म करने के लिए हम लोग हीटर का इस्तेमाल करते हैं, वो हीटर मोस्टली रेडिएशन के माध्यम से ही पूरे कमरे को गर्म करता है। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होता है। ये लोएस्ट पॉसिबल क्यों हम इसको बोल रहे हैं? क्योंकि इस टेम्परेचर पर आके किसी भी एटम की काइनेटिक एनर्जी जो है वो समाप्त हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वो मूव करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। जैसे कि इस धरती पे कोई भी आप सब्सटेंस देख लीजिए, वो अपने एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलके बना है और इनके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है इनमें काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर इनकी काइनेटिक एनर्जी मतलब कि इनके अंदर मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, बिल्कुल शांत हो जाती हैं, ये बिल्कुल भी मूव नहीं करते, काइनेटिक एनर्जी इनकी ज़ीरो हो जाती है, वो टेम्परेचर होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, जिसको केल्विन में बोलें तो ज़ीरो केल्विन, सेल्सियस में बोलें तो -273 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 degree Celsius। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोई भी सब्सटेंस जिसका वेट 1 kg है उसके टेम्परेचर को 1 degree Celsius बढ़ाने के लिए कितनी हीट की जरूरत होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये हमारे पास 1 kg वाटर है और ये हमारे पास 1 kg गोल्ड है, सोना। अब 1 kg वाटर के टेम्परेचर को 1 degree बढ़ाने के लिए हमको 4200 जूल्स ऑफ हीट ज़रूरत पड़ती है। 4200 जूल्स ऑफ हीट अगर हम इसको दें 1 kg वाटर को, तो इसका जो भी टेम्परेचर होगा उससे 1 degree Celsius इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो 4200 जूल्स क्या हुई? वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि 1 kg वाटर को 1 degree Celsius टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 4200 जूल्स ऑफ हीट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही अगर हम गोल्ड की बात करें तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 129 जूल्स, कि 1 kg गोल्ड को 1 degree Celsius टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 129 जूल्स ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है। इसकी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए अगर हम 129 जूल्स इसको प्रोवाइड करा दें तो इसका जो भी टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर में 1 degree की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो 1 kg मटेरियल को 1 degree Celsius तक बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है वो हीट होती है उस सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और हर मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है। अब हम बात करते हैं लेटेंट हीट की। लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट एक ऐसी हीट है जो किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को ना बढ़ाते हुए उसकी स्टेट को चेंज कर दे। ऐसा कैसे मुमकिन है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास 20 degree Celsius पे आपके एक फ्राइंग पैन में पानी आपके पास है, आपने इसको गर्म करना है। आपने गैस ऑन की, इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 100 degree Celsius तक चला गया। अब आप अगर उस फ्राइंग पैन में थर्मामीटर भी डाल देंगे कोई ऐसा जो इसके टेम्परेचर को देख सके, तो उसका टेम्परेचर आप उसमें अगर देखेंगे तो कभी भी 101 नहीं आएगा। वो 100 degree के बाद वहाँ पे वो टेम्परेचर रेज जो होना है वो पानी का बंद हो जाएगा। तो हीट तो आपको नीचे से आप तो दे ही रहे हो उसको, आपने गैस तो बंद नहीं की, तो जब आप हीट उसको दे रहे हो 20 डिग्री से वो 100 डिग्री तक गया, तो 100 से 400 डिग्री तक वो क्यों नहीं जा रहा पानी? वो तो 101, 102, 103 भी नहीं जा रहा, तो हो क्या रहा है? हीट तो उसको मिल रही है लेकिन टेम्परेचर रेज नहीं हो रहा। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, 20 से 100 डिग्री तक जब तक वो गया तब वो हीट क्या कर रही थी? वो उसके टेम्परेचर को रेज कर रही थी। जैसे ही वो टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंचा तो अब जो हीट है वो उसके टेम्परेचर को रेज करने की बजाय वो उसकी स्टेट को चेंज कर रही है, वो उसके मूल रूप को चेंज कर रही है। पानी किस फॉर्म में था? आपका लिक्विड फॉर्म में। अब वो क्या कर रही है? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रही है, उसकी स्टेट को चेंज कर रही है। तो एक ऐसी हीट जो टेम्परेचर को रेज ना करे और आपकी स्टेट चेंज कर दे, सब्सटेंस जो भी आपका है उस सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर दे, उस हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट के एग्जांपल अगर मैं आपको दूं
तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इनमें क्या होता है, मान लीजिए अभी हमने ये जो एग्जांपल लिया ये था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का, कि पहले तो हीट इसको जो मिल रही थी वो हीट थी जो इसके टेम्परेचर को बढ़ा रही थी, उसको हम कभी भी लेटेंट हीट नहीं बोलेंगे। जब इसका टेम्परेचर बढ़ने की बजाय इसकी स्टेट चेंज होने लगी, उस हीट को जो वो हीट इसको मिली है उसको हम लोग लेटेंट हीट बोलेंगे। और क्योंकि ये लिक्विड से वेपर स्टेट में जा रहा है तो इस मिलने वाली हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास वो आपका पानी है जो 20 डिग्री सेल्सियस पे था, इस बार आप क्या करेंगे, आप इसको गैस पे रखने की बजाय अब आप इसको फ्रीजर में रख देंगे ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाए। जब गैस पे रख रहे थे क्या हो रहा था, ये 20 से 100 डिग्री पे चला गया था। अब क्या होगा, जैसे ही आपने इसको फ्रीजर में रखा ये 20 से 19 18 होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इसका टेम्परेचर जो है आ जाएगा। अब क्या होगा, टेम्परेचर एक पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 20 डिग्री से 0 डिग्री पे इसका टेम्परेचर क्यों आता है, क्योंकि जैसे ही आप इसको किसी ठंडी जगह पे रखते हैं तो इसके अंदर की हीट जो है वो निकलती रहती है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। अब 0 डिग्री तक ये आ गया है, अब भी इसके अंदर से हीट निकल रही है, लेकिन हीट निकलने के बाद इसका टेम्परेचर जो है वो कम नहीं होगा। कुछ ऐसा टाइम आएगा जब इसका अंदर से हीट निकलती चली जाएगी लेकिन इसका टेम्परेचर जो है वो नीचे नहीं गिरेगा। इस टाइम पे क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन काम करेगी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैसे काम करेगी कि टेम्परेचर इसका 0 डिग्री पे रहेगा लेकिन ये लिक्विड स्टेट से अब सॉलिड स्टेट में आना शुरू हो जाएगा। जिस टाइम 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनता है, उस पूरे प्रोसेस के दौरान उसके अंदर से जो हीट निकली है उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। यहाँ पे एक ऐसा टाइम भी होगा जब पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री होगा, उसमें से कंटिन्यूस हीट जो है वो निकलती चली जाएगी रेफ्रिजरेटर में होने के कारण, और 0 डिग्री पे रहते रहते ही वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में जितनी हीट उसमें से निकाली गई है फ्रिज के द्वारा, उस पूरी हीट को बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर आप पानी को गर्म करते हैं 20 डिग्री या 25 डिग्री से 100 डिग्री पे लेके जाते हैं, वहाँ टेम्परेचर बढ़ने की बजाय उसकी स्टेट चेंज होने लग जाए, उसको बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कि 100 डिग्री तक जब तक पानी को उसने पहुंचाया है उस हीट को आप लेटेंट हीट नहीं बोल सकते क्योंकि वो आपके टेम्परेचर को रेज कर रही है, लेकिन 100 पे स्टेबल हो गया, अब वो जो है स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो हीट अब मिल रही है जो स्टीम में कन्वर्ट कर रही है, इस हीट को बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वैसे ही जब तक फ्रीजर ने आपके 20 डिग्री वाले पानी को 0 डिग्री तक लेके गया, इस दौरान जो उसने हीट निकाल ली उसमें से, उस हीट को आप लेटेंट हीट नहीं बोल सकते। जब वो 0 डिग्री पे आ गया, अब भी हीट निकल रही है लेकिन टेम्परेचर चेंज होने की वजह स्टेट चेंज हो रही है, इस दौरान जितनी भी हीट निकलेगी उस हीट को बोला जाएगा लेटेंट हीट, और ये हुई आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को उन लोगों के साथ जो ग्रेड आई करना चाहते हैं। इस वीडियो में आज इतना ही। इस यूनिट में बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और उन लोगों के साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा जो लोग ग्रेड आई करना चाहते हैं। और आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को ताकि ऐसी ऐसी वीडियो हम आपके लिए और भी लेकर आते रहें। विद दीज वर्ड्स थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।